सरकार प्रदेश के स्कूलों को डिजिटल बनाने के दावे कर रही है तो कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के राग अलाप रही है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सरकारी स्कूलों में चल रही अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा लेने के लिए तो लाखों छात्राएं हैं, पर इन्हें ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग की फाइलों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर शिक्षा को एक अनिवार्य विषय मानते हुए लाखों रुपयों की लागत के कंप्यूटर स्कूलों में लगा दी गई है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है। छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि सप्ताह में हर क्लास के लिए 6 पीरियड जरूरी किए थे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर के लिए वर्ष 2013 में विभाग ने कुल 2600 कंप्यूटर के टीचर्स की नियुक्ति की गई थी, मगर वर्तमान सरकार ने इन टीचर्स को अनुबंध इसी वर्ष मार्च के माह में समाप्त कर इनकी जगह नए कंप्यूटर टीचर की भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए। स्कूल में कंप्यूटर सीखना चाहते लेकिन हमारे स्कूल में कंप्यूटर की टीचर नहीं है, इसलिए हमारी पढ़ाई ठीक ढंग से कंप्यूटर नहीं हो पा रही है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि सर से अनुरोध करूँगी हमारे स्कूल में कंप्यूटर की टीचर भेजे जाएं, और बाहर जाने के लिए 1500-1500 रुपया लगते हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाते। और यहाँ अभी आपको टीचर की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, मैं कंप्यूटर पढ़ना चाहती हूँ लेकिन कंप्यूटर की टीचर नहीं है, इसलिए पढ़ नहीं पाते। कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ने की इच्छुक हूँ, लेकिन टीचर नहीं होने के कारण पढ़ाई बर्बाद हो रही है। छात्र तो रुचि लेने में इच्छुक हैं लेकिन अध्यापक न होने के कारण, कंप्यूटर शिक्षक न होने के कारण इनको इसका ज्ञान देने में अवरोध हो रहा है। सर आपने कभी विभाग को लिखा हो? विभाग को इसकी जानकारी है और समय समय पर भेजते रहते हैं कि यहाँ शिक्षक नहीं है। आज आरटीवी न्यूज के लिए नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट।